तो मेरा नाम है सोहेल खान और आप देख रहे हैं अमेरिकन सर्किट सिस्टम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईपी कैमरे के बारे में। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बात की थी जिसमें हमने एचडी कैमरे के बारे में क्वालिटी बताई थी और उसकी अनबॉक्सिंग की थी। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है आईपी कैमरे से हमारी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आने वाली जो वीडियो होगी अब आईपी कैमरे भी होगी जिसमें हम आईपी कैमरे के बारे में बताएंगे, हम आईपी कैमरा हमें दिखने में कैसा होता है और उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं और उसकी क्वालिटी कैसी होती है और उससे हमें क्या क्या एक कुछ चीज़ें देखने को यानी यूनिक चीज़ें देखने को मिलती है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का जो कैमरा है हमारा आईपी का वो सीपी प्लस का है और इसी के बारे में हम बताने वाले हैं और वो कितना मेगापिक्सल का है और उसका लुक कैसा है और उसे हम कैसे उसकी क्वालिटी कैसी, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है पहले हम उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊँगा उसे DVR में इंस्टॉल कैसे करते हैं, यानी अपने DVR होता है उसे हम कैसे चलाते हैं और उसमें क्वालिटी कैसे चेक करते हैं। तो वह सेकंड पार्ट में मैं आपको क्वालिटी उसकी दिखाऊंगा क्योंकि उसकी जो क्वालिटी सेटिंग है वो काफ़ी थोड़ी मुश्किल है तो उसे बताने में थोड़ा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम पहले पार्ट में उसकी अनबॉक्सिंग बताएँगे, उसकी क्वालिटी बताएँगे, उसके अंदर क्या फीचर्स होते हैं इसके बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग और जानते हैं उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो लास्ट तक बने रहे, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर आइए, इंशाल्लाह हम सवालों को जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों ये है हमारा आईपी कैमरा, थोड़ा पुराना ज़रूर है इसका बॉक्स पर ये नया बॉक्स है। तो ये यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेटवर्क कैमरा लिखा हुआ है और रिप्लिक्स यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख लेना आराम से पोज कर। और यहाँ पर हम कैमरा डे रेड कैमरा डी पेड कैमरा नेटवर्क कैमरा और यहाँ से हम कुछ खास और यहाँ से हम देख सकते हैं तो यहाँ पर दिखा है ऊपर, यहाँ पर मॉडल नंबर लिखे हुए हैं कैमरे के। तो यहाँ से कुछ प्रॉब्लम या स्कैन करना चाहे तो यहाँ से स्कैन भी आसानी से हो सकता है, ये आईपी कैमरा है। यहाँ पर इसकी क्वालिटी नहीं लिखी हुई है तो अब मैं आपको इसका बॉक्स को खोल के दिखाता हूँ, इस बॉक्स को खोल के दिखाता हूँ। इसका जो बॉक्स है पैकिंग तो हुआ नहीं है पर इसके अंदर फीचर्स हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि ये हमारा मेन कैमरा ऊपर ही ऊपर हमारा जो कैमरा है और इसके नीचे हम देखते हैं क्या है, हमें यहाँ पर इसकी बुक देखने को मिलती है, इसके फीचर्स बताए जा रहे हैं और यहाँ से हम दीवार के लगाने के लिए लेवल के लिए होता है और ये यहाँ पर हमें एलन की और ये तार इसके साथ ये लिंक की देखने को मिलती है जो आराम से लगाने तो ये बहुत ज़रूरी होती है इसके लिंक की क्यों काफ़ी परेशान करती है, इस लिंक की को थोड़ा संभाल के रखे तो इसके लेवल की थोड़ी मुश्किली मिलती है। ठीक, अब यहाँ से हम देख सकते हैं ये नाइट में कलरफुल कैमरा भी है साथ ही और ये इसका सेंसर है और इसे मैं आपको खोल के भी दिखाऊँगा। यहाँ से हम देख सकते हैं ये आईपी कैमरा है और मेड इन चाइना कैमरा है, यहाँ पे इसका कोई मेगापिक्सल नहीं लिखा हुआ है तो मेरे अंदाज़ से 5 मेगापिक्सल आराम से कैमरा होना चाहिए आईपी कैमरा का। और अब मैं इसका जो तो दोस्तों ये आपको पिन दिख रही होगी, ये जो है ऑडियो आउटपुट है और ये है हमारी ऑडियो इनपुट, ये जो ऑडियो के लिए है जो आवाज़ के लिए करने के लिए आती है और ये हमारे पावर के लिए है जो इसके अंदर हम अडेप्टर या अपने डीसी पिन को सपोर्ट कर सकते हैं और इसे लगाए तो लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, हमें कोई ज़रूरी नहीं है आईपी कैमरे में। और ये यहाँ पर हमारी केबल डलेगी जो आपको दिख रही होगी, यहाँ से हम केबल डालेंगे अपनी और ये जो है अलार्म सिस्टम के लिए आता है जो कि आप देख रहे होंगे। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा आराम से जूम कर इसे आप जूम करके आराम से देख सकते हैं और इसकी रेंज हमें काफ़ी हमेशा 20 मीटर तक इसकी रेंज देखने को मिल सकती है और इसकी जो लुक है काफ़ी अच्छा है जो कि मैंने आपको बताया पहले भी, इसका कलरफुल कैमरा है और इसका जो
ये जो एक कैमरा है 360 नहीं है बल्कि एक नॉर्मल कैमरा है। अब मैं इसे आपको खोल के दिखाता हूँ, इसे खोल के दिखाता हूँ। तो इसे मैंने खोल लिया है, तो थोड़ा सा और इसे खोल लेते हैं। इसे पूरी तरीके से खोल दिया है। इसकी जो है चुप पेंच काफ़ी लंबे होते हैं, तो यहाँ से मैंने इसे खोल दिया। तो यहाँ से इसके जो लगी हुई है, जो आपको पता होगा अगर कोई ख़राब तार ख़राब ना हो यानी सड़े गले नहीं, इसलिए यहाँ पर लगाई हुई है। और यहाँ से लाइट कैमरा है और इसका जूम काफ़ी, यानी कि ये कैमरा आराम से हमें काफ़ी लंबी दूरी जगह दिखा सकता है। मेरे हिसाब से 360 एरिया तक जगह को आसानी से कवर कर सकता है। तो अंदर से कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। और यहाँ से हम इसे गोल भी घुमा सकते हैं, यहाँ से इस पेच को ढीला कर कर यहाँ से भी हम ऐसे बिल्कुल घुमा सकते हैं। तो कैमरे का लुक काफ़ी अच्छा है। और इसे मतलब अगर आप धुआं काफ़ी ज़्यादा रहे हो तो यहाँ से हम इसका कांच को आसानी से साफ़ कर सकते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। तो ये काफ़ी अच्छा है कैमरा, और मुझे लगता है इस कैमरे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो अगर ये कैमरा की क्वालिटी आपको देखनी है तो मुझे कमेंट पर ज़रूर कहें, इसकी मैं क्वालिटी ज़रूर दिखाऊंगा। और इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं DVR में, इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और ये कैमरा आसानी से मुझे, ये 2 मेगापिक्सल कैमरा है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया, सॉरी दोस्तों, इसके अंदर हम मेमोरी कार्ड का ऑप्शन भी है जो आपको यहाँ से दिख रहा होगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा। मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से हटा लेता हूँ, ये जो मेमोरी कार्ड का ऑप्शन है यहाँ से। दोस्तों इसके अंदर मेमोरी कार्ड का ऑप्शन इसलिए है, अगर ज़्यादातर क्या होता है कि मतलब किसी यहाँ चोरी होती है तो चोर क्या करता है, वो DVR को उठा लेता है और कैमरे को कभी कभार वो रहने देता है। तो इसके अंदर अगर बाई चांस हमारा DVR ख़राब हो जाए और कैसी ऐसी वारदात हो जाए, तो यहाँ पर मेमोरी कार्ड के सपोर्ट, यहाँ से हमारा जो रिकॉर्डिंग है यहाँ से ऑटोमेटिकली सपोर्ट हो जाती है, यानी रिकॉर्ड हो जाती है। जितनी देर अचानक अगर DVR बंद हो जाता है तो ये उसे रिकॉर्ड कर लेता है वाईफाई के थ्रू। इसके अंदर हमें अडेप्टर इसके साथ लगाना पड़ेगा, तभी इसके साथ मेमोरी कार्ड सपोर्ट करेगा और इसके अंदर वाईफाई भी हमें देखने को मिलता है। हालांकि बॉक्स के में यहाँ पर शायद लिखा हुआ नहीं था, हाँ इसके अंदर, हाँ सॉरी, नेटवर्क के में इस पर लिखा हुआ है, पहले से ही लिखा हुआ है, जो कि मैंने देखा नहीं, तो आप भी पॉज करके देख लेना। तो काफ़ी ये अच्छा है और इसके साथ काफ़ी अच्छी चीज़ है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों मेरी राय ये है, अगर आपको ये कैमरा लेना हो तो आप इसे कैमरे को ज़रूर लें। मेरे हिसाब से कलरफुल कैमरा है। और सबसे बड़ी बात IP कैमरे क्या होती है कि अगर एक बार आप इसे कैमरा लगा ले तो इसे कभी भी आपको सर्विस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कैमरा लाइफ टाइम के लिए आपको कैमरा लगा लाइफ टाइम के लिए कैमरा होता है, यानी इसे बार बार सर्विस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसकी क्वालिटी, सबसे मेन मुद्दे की बात, इसकी क्वालिटी कभी भी ख़त्म नहीं होती। HD में फ़र्क क्या आता है कि HD जो कैमरा आता है, साल दो साल या तीन साल बाद में उस कैमरे की क्वालिटी ऑटोमेटिक कम हो जाती है, पर IP कैमरे की क्वालिटी कभी भी ख़त्म नहीं होती। जो आज मतलब आज कैमरा लगाया आपने, वो 5 साल वैसे ही उसकी क्वालिटी दिखाएगा। IP में ये फ़र्क होता है। तो इसका जो इंस्टॉल कैसे करते हैं DVR में, इसकी क्वालिटी कैसी, इसके बारे में मैं आपको अगले पार्ट पर बताऊँगा। तो इसके लिए आपको इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करनी है। इसमें कम से कम आपको मुझे 40 लाइक चाहिए जब भी मैं इसका अगला पार्ट बनाऊँगा। और उम्मीद है कि आज को आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे Instagram ID पर आइए, इंशाल्लाह हम सवालों को जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।